आदाब नमस्ते सस्त्रीकाल केम छो, कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि सभी भाई अच्छे होंगे और मौज में होंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं 11-12 बजे दोपहर के समय पे वीडियो कैसे अपलोड कर रहा हूं। मेरा काम तो नाइट में वीडियो अपलोड करने का था, लेकिन लंका प्रीमियर लीग के 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला जो कि 3 बजे खेला जाएगा, उसकी तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि कोलंबो स्ट्राइकर वर्सेस जाफना किंग्स के बीच में लंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 13वां T20 खेला जाएगा। और ये दूसरा मुकाबला है जो कि 14वां T20 लंका प्रीमियर लीग का, जो कि कैंडी और गल्ले मार्वल्स के बीच में खेला जा रहा है। अब इस मुकाबले की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये मुकाबले की वीडियो अपलोड करने का मकसद एक ही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन से जो 3 बजे वाला मुकाबला है वो वन साइडेड हो रहा है, और ये 7:30 बजे वाला मुकाबला है वो कलरफुल हो रहा है और जैकपॉट भी बन रहा है। कल वाले मैच में भी अगर हम ध्यान रखें तो एक 10 पैसे का जैकपॉट बना था, जो कि 7:30 बजे वाला मुकाबला था, और पूरा का पूरा जैकपॉट आपके सामने रख दिया था मैंने, बाकायदा रेट लेके, बाकायदा एंट्री करा के। तो देखो सभी भाई, जितने भी मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई हैं, मेरी मेहनत को अंडर एस्टिमेट मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस YouTube चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे वो लंका प्रीमियर लीग हो, चाहे वो आने वाली कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, चाहे वो द 100 मेंस वाले जो कि मुकाबले आने वाले हैं अगले महीने से, कोई भी लीग हो आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और वीडियो अपलोड कर जाता हूँ तो यहाँ पे 100 में से 80-85% चांसेस अपनी टीम जीतती है। तो कौन जीतेगा ये मुकाबला, लंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 14वां T20 जो कि गल्ले मार्वल्स व्हील अप कैंडी के बीच में खेला जाएगा। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, व्हील अप कैंडी ने एक बड़ा टारगेट चेस किया था और 20-25 पैसे का एक जैकपॉट भी उड़ाया था, क्योंकि एक बड़ा टारगेट दिया था। अभी कुछ दिन पहले मुकाबला हुआ था, उसमें व्हील अप कैंडी ने आसानी से 18वें ओवर में ही वो टारगेट चेस कर लिया था। तो व्हील अप कैंडी का परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। और वहीं पर अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो देखो, सिंगल वन ग्राउंड में ये मुकाबले हो रहे हैं, चाहे वो दोपहर वाला 3 बजे वाला मुकाबला देखा जाए, चाहे वो 7:30 बजे वाला मुकाबला देखा जाए, रंगगिरी दमबुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम में ही मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो वेनसडे का दिन है, 10 जुलाई 2024, 7:30 बजे रंगगिरी दमबुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। फैन कोड में भी आप लोग देख सकते हो, स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर भी मुकाबले देख सकते हो, क्योंकि टीवी पे लाइव आ रहा है ये मुकाबले। और ये लीग कोई ऐसी वैसी लीग नहीं है, अच्छी लीग है, कलरफुल लीग है, वन साइडेड मुकाबले नहीं हो रहे हैं। और रेट की बात करूँ तो 89-86 पैसे व्हील अप कैंडी को फेवरेट किया गया है। रेट में थोड़ा सा कंक्लूजन है ऊपर नीचे का, जब मैच स्टार्ट होगा तो आपको सही रेट मिल जाएगा टॉस के बाद। तो यहाँ पे व्हील अप कैंडी का फेवरेट होना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बड़ा टारगेट चेस करके आई है, और व्हील अप कैंडी एक छोटी टीम नहीं है। और रिसेंटली अगर 10 मुकाबले इन दोनों टीमों का कंपेरिजन अगर मैं करूँ तो 5-5 बार दोनों टीमें जीती हैं, चाहे वो व्हील अप कैंडी की बात करूँ, चाहे वो गल्ले मार्वल्स की बात करूँ। तो मामला क्लोज होने वाला है, मामला टाइट होने वाला है। और वहीं पर अगर मैं विनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर देखो कितने वोट किसको मिले हैं, तो यहाँ पे गल्ले मार्वल्स को मिले हैं 29% और व्हील अप कैंडी को मिले हैं 71%। तो व्हील अप कैंडी के चांसेस यहाँ पे ऑडियंस बता रही है कि ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस मुकाबले में। अब कौन जीत रहा है ये मुकाबला, व्हील अप कैंडी या फिर गल्ले मार्वल्स, वीडियो में बने रहना। और रिसेंटली अभी जो मुकाबला हुआ था शायद 7 जुलाई 2024 को इन दोनों टीमों के बीच में, तो वहाँ पे गल्ले मार्वल्स जीता था 2024 में, और 2023 में जो मुकाबला हुआ था उसमें व्हील अप कैंडी जीता था। तो देखो मामला बिल्कुल 50-50 है, ऊपर नीचे का है, चाहे वो व्हील अप कैंडी हो चाहे वो गल्ले मार्वल्स हो। और विनिंग की देखो बात करें तो विन बैट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो देखो, बैटिंग जो करती है वो 33%, बॉलिंग करती है तो 67%। मतलब जो टारगेट अगर चेस करती है टीम इस ग्राउंड में, रंगगिरी दमोल्ला स्टेडियम में, तो वो जीतती है। तो कौन जीत रहा है, तो सभी भाई वीडियो में बने रहना, वीडियो 1% भी स्किप मत कर देना, क्योंकि अगर आप लोग समझोगे तभी आप देख पाओगे, देखोगे तभी आप समझोगे। तो देखो कौन जीतेगा, हु विल विन, कौन जीत रहा है ये मुकाबला। अब देखो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टेबल अगर दिखाऊं तो मुकाबले में अगर देखा जाए तो गल्ले मार्वल्स की टीम नंबर 2 पर बैठी है, ठीक है। और व्हील अप कैंडी की टीम देखो आप कितने नीचे बैठी है, 5 मुकाबले खेली है, 2 मुकाबले जीती है, 3 मुकाबले हारी है, तो सबसे नीचे फ्रंट पे डली है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं देखूं गल्ले मार्वल्स की टीम तो 5 मुकाबले खेली है, ठीक है, और यहां पे 3 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबले हारी है, तो यहां पे नंबर दूसरे पायदान पर है। और ये व्हील अप कैंडी की बात करें तो नंबर लास्ट में बैठी है। अभी रिसेंटली अगर मैं इनका अगर मैच दिखाता हूं व्हील अप कैंडी का, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी आपको
मैं दिखा दिया हूँ, आपको देख सकते हो। पहला मुकाबला ये जीते थे 1 जुलाई को, दूसरा मुकाबला 2 जुलाई को हारे, 6 जुलाई को भी हारे, 7 जुलाई को भी हारे, बैक टू बैक 3 मुकाबले हारने के बाद 9वां मुकाबला जो इनका था, एक बड़ा टारगेट दिया गया था इस टीम को, 7 विकेट से ये टीम जीती थी। पूरा मार्केट सोच रहा था कि ये मुकाबला नहीं जीतेगी, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ टारगेट। देखो, जाफना किंग्स व्हील अप कैंडी के बीच में मुकाबला था, आप लोग देख सकते हो कि 224 रन का टारगेट दिया था। अब 224 रन के एक विशाल टारगेट को देख के अगर देखा जाए व्हील अप कैंडी की हालत, तो यहाँ पे खस्ता नजर आ रही थी, लेकिन आप देख सकते हो 18.2 ओवर में ही 230 रन व्हील अप कैंडी ने चेस कर लिए थे। परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो देख सकते हो कि भाई इनके प्लेयर्स ने कितनी अच्छी हिट करी थी। दिनेश चंदीमल की बात करें हम, दिनेश चंदीमल आपके सामने बैठे हैं, जो कि भाई 37 बॉलों में 89 रन बनाए थे। एंड्रू फ्लेचर, चाहे वो मोहम्मद हारिस हों, चाहे वो कमांडो मेंडिस हों, चाहे वो मैथ्यूज हों, सब ने अच्छी पारी खेली थी। तो इनके पास देखो बैटिंग है, बैटिंग ऐसी है कि जब 226 रन का टारगेट चेस कर सकते हैं तो मैच भी जीत सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं होता, हर दिन एक सा नहीं होता है, हर दिन एक सा नहीं होता है। तो सभी भाइयों को विनर बताने से पहले कि कौन जीत रहा है, सभी भाइयों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेट देना हो, सभी भाई ध्यान से देख लेना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप भी समझते हो कि मैच का टाइमिंग है 7:30 बजे, अभी कब है, अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 11 बज के, अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 11:51 का टाइम हुआ है दोपहर के, अभी 12 भी नहीं बजे, और मैच स्टार्ट होगा 7:30 पे। तो कई घंटे हैं मैच स्टार्ट होने में। तो यहाँ पे अगर मैं टीम का विनर अगर कुछ भी देकर जाता हूँ और अपडेट चेंज हो जाती है टॉस के बाद, क्योंकि आपको भी पता है अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, एक ऐसा खेल है कभी भी कुछ भी बदल जाता है, कभी भी कुछ भी। और ये तो मैं कई घंटे पहले वीडियो अपलोड कर जा रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैंने अगर कोई टीम अगर आपको कई घंटे पहले देकर गया और वो टीम का विनर चेंज हुआ तो आपका लॉस हो। तो देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी होगा उस टाइम पे ही, जैसे ही मैच स्टार्ट होगा उस टाइम पे ही अगर जो भी मेरे पास अपडेट होगी तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी ऑलराउंडर फैमिली के नाम से। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक, जहां पे आप वीडियो देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे डाल दूंगा। तो वहां पे जैसे ही आप लिंक पर एक बार क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। तो सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं बताने वाला हूं कि कौन जीत रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विनर बताने से पहले, देखो मैं 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी कम भी बनाता हूँ, लेकिन एक चीज़ बोलकर जाता हूँ कि सभी भाई जितने भी मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई हैं, सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ, अपनी फैमिली मानता हूँ। ये चैनल का नाम जो है ना, ये ऑलराउंडर फैमिली मैंने क्यों रखा है, ये परिवार का एक दर्जा है। तो सभी भाइयों से सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, गूगल पर जाकर सर्च मार लो, गूगल पर देखो, गूगल तो सभी जानते हैं, गूगल पर मारकर जाकर सर्च मारो ऑलराउंडर फैमिली। जैसे ही आप ऑलराउंडर फैमिली डाल दोगे गूगल पे, तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, ये पेज ओपन हो गया। इसी पेज पे अगर आप लोग क्लिक कर दोगे डायरेक्टली, एक बार जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाओगे। तो ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। तो सभी भाइयों से मैं एक ही चीज़ की गुजारिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है पहले तो आप काम चेकआउट कर ले, ऐसे मत करो सब्सक्राइब, मैं नहीं बोल रहा। और फिर उसके बाद अगर अच्छा लगे तो यहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सब्सक्राइब का ऑप्शन, ये दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब का ऑप्शन, यहां पे आपको सब्सक्राइब करना है। मैं इतना ही बोलकर जा रहा हूं कि सभी भाई सब्सक्राइब कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने छोटे और अपने बड़े भाइयों से, सब्सक्राइब का ऑप्शन, ये रहा सब्सक्राइब का ऑप्शन, ये सब्सक्राइब कर लो आप लोग, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मेहनत में कोई कमी नहीं है, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो। अब कौन जीत रहा है ये मुकाबला, मैं आपको बताने वाला हूँ, गल्ले मार्बल से जीतेगी या व्हील अप कैंडी जीतेगी। देखो व्हील अप कैंडी देखो सबसे नीचे डली है बॉटम में, ठीक है, पाँचवें स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गल्ले मार्बल्स की टीम है। अब जीत कौन सी टीम रही, तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे जो लग रहा है वो व्हील अप कैंडी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि व्हील अप कैंडी अब नीचे से उठ के ऊपर आने वाले काम कर रही है। क्योंकि जितना बड़ा टारगेट 225 रन का टारगेट जब चेस कर लिया, जब पूरा मार्केट सोच रहा था कि अब व्हील अप कैंडी नहीं जीतेगी, तो वहाँ से जीती है। तो यहाँ पे जो रेट चल रहा है व्हील अप कैंडी को ही फेवरेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है इस पे दिमाग लगाना थोड़ा सा, क्योंकि व्हील अप कैंडी के चांसेस इस मुकाबले में जीतने के हैं। तो आज का मुकाबला जो कि जीत रहा है मेरे अकॉर्डिंग वो है व्हील अप कैंडी, कैंडी जीतेगा ये मुकाबला। अगर कुछ अपडेट में चेंजेस होते हैं ऊपर नीचे, अगर कुछ भी होता है, तो टॉस के बाद आपको फाइनल मैच का प्रिडिक्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, मेरी और आपकी मुलाकात होगी 3 बजे और 7:30 बजे। तो सभी भाइयों से एक बार फिर से बोलकर जा रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर कमेंट करो, वीडियो पर लाइक करो, बस इतना ही बोलूँगा। चलते हैं, मिलते हैं मैच के टाइम।